हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी नॉलेज वाली इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, काफ़ी काम की चीज़, पैसे कमाने वाली इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। अगर आप पूरा वीडियो अच्छे से देखेंगे तो क्या है जिसे आप अच्छा खासा पैसा आने वाले टाइम में कमा सकते हैं और कैसे कमा सकते हैं, ये मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर फर्स्ट टाइम आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैक्समान एजेंसी के नाम से आप अगर सर्च करेंगे यूट्यूब में, मैक्समान एजेंसी, तो ऊपर में सबसे पहले ये भी मेरा चैनल का नाम आ जाएगा, मैक्समान एजेंसी। आप इस पर क्लिक करके वीडियोस भी देख सकते हैं और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो ये सब्सक्राइब वाला रेड दिखेगा, इसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन दबा देना है, जैसे कि मैं जैसे ही अगला वीडियो पोस्ट करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप चाहे तो कुछ वीडियोस देख के मुझे व्यूज भी दे सकते हैं ताकि थोड़ा सपोर्ट मिल जाए और जल्दी मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो जाए। ठीक है गाइस, सो चलते हैं आज के इस वीडियो के टॉपिक के बारे में जानकारी लेने के लिए। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पेटीएम के बारे में, पेटीएम आईपीओ के बारे में, आने वाली बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि पेटीएम कब अपना आईपीओ लॉन्च कर रहा है, कैसे लॉन्च कर रहा है, क्या प्लानिंग है और क्या इसके फ़ायदे हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आईपीओ के बारे में पूरी जानकारी शायद मिल गई होगी और नहीं मिली है तो मैंने जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भेजे हैं वो लिंक्स पर क्लिक करके और ज़्यादा जानकारी आप जुटा सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये आती है कि आप ये आईपीओ कैसे खरीद सकते हैं। आईपीओ पेटीएम का आईपीओ खरीदने के लिए आपको क्या करना है, बहुत सिंपल चीज़ है, ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको। आपको सिंपली पेटीएम मनी ऐप इंस्टॉल करना है, एंड्रॉयड में प्ले स्टोर में जाके आपको पेटीएम मनी जाके ये ऐप सर्च करना है, सर्च करके आपको उसको इंस्टॉल कर लेना अपने मोबाइल में। पेटीएम मनी से आप सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर ये आ रहा है, इसको क्लिक करना है, यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद में आपको इसको ओपन करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है, मोबाइल नंबर के थ्रू रजिस्ट्रेशन करके अपना वीडियो केवाईसी कंप्लीट कर लेना है, डिजिटल ई केवाईसी कंप्लीट कर लेना है। और फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि कैसे आप इसमें आईपीओ परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको, अगर आपका पेटीएम में अकाउंट बना हुआ है तो आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं, नहीं बना हुआ तो आप इसमें अकाउंट अपना बना लीजिए। देखिए, अगर आपने पेटीएम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं तो साइन इन विद पेटीएम का ऑप्शन आ जाएगा, साइन इन विद पेटीएम। आप अपना जो पेटीएम मर्चेंट या पेटीएम वॉलेट वाला अकाउंट है उसके थ्रू भी यहाँ पे साइन इन कर सकते हैं। अगर आपने पेटीएम यूज़ नहीं कर रखा अभी तक तो अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से आप अपना पेटीएम अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आई डोंट हैव ए पेमेंट पेटीएम अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे ये अपना मोबाइल नंबर मांगेगा। यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, वही पासवर्ड क्रिएट करना है जो आपको याद रह सके। इसके बाद में आपको अपना ईमेल आईडी देना ऑप्शनल है, आपकी मर्जी हो तो ईमेल आईडी दो, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। आप इस पर क्लिक करके जैसे ही साइनअप पर क्लिक करेंगे तो आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी के माध्यम से आपको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर कर लेने के बाद में आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करने के लिए आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, साइन इन विद पेटीएम। मैंने क्लिक किया साइन इन विद पेटीएम, पहले आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और पेटीएम पासवर्ड इंसर्ट करना है, उसके बाद में साइन इन विद पेटीएम पे क्लिक करना है। सो मैंने अपना मोबाइल नंबर इंसर्ट कर दिया, पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया, अब साइन इन विद पेटीएम करूँगा। साइन इन विद पेटीएम पे क्लिक करते मैं इसमें पेटीएम मनी ऐप में लॉगिन हो जाऊँगा। लॉगिन होते ही आप देखो आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपना केवाईसी कंप्लीट करके डीमैट अकाउंट ओपन कर लेना है। इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि क्या ऑप्शंस आपको सेलेक्ट करने हैं, कैसे आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है। इसके लिए आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले ये यहाँ पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जो हाई लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी डिटेल्स अपने अपडेट नहीं किए तो नाम यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। जैसे आप अपनी डिटेल्स अपडेट करेंगे आपका नाम यहाँ पे शो होने लग जाएगी, तो हाई पे क्लिक करेंगे, हेलो इन्वेस्टर लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ से आपको अपना प्रोफाइल एडिट करके कंप्लीट करना है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपसे पूछ लेगा, यहाँ पे ये एडिट करने का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करके आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है।
डिटेल्स क्या क्या मांग रहा है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, आपको यहाँ पे अपना डिस्प्ले नेम देना है। दिस नेम विल डिस्प्ले ओनली ऑन पेटीएम मनी, जो आप अपना डिस्प्ले नेम रखना चाहते हैं। और यहाँ पे डिस्प्ले नेम, यहाँ पे नेम एज़ पर योर KYC, आपके KYC मतलब पैन कार्ड में जो नाम है आपका वो यहाँ पे आपको देना है। नाम यहाँ पे देने के बाद में आपको यहाँ से सेव कर देना। देखिए, आप जैसे ही ऐप में म्यूचुअल फंड्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे देखिए किसी भी ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए म्यूचुअल फंड्स वगैरह पे, तो आपसे ये मांग लेगा एंटर योर पैन डिटेल्स टू प्रोसीड एंड बी रेडी फॉर इन्वेस्टिंग कंप्लीट नाउ। कंप्लीट नाउ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर इंसर्ट करना है। विच डॉक्यूमेंट्स शुड आई कीप रेडी फॉर इन्वेस्टमेंट्स, देखिए आधार नंबर, योर मोबाइल शुड बी लिंक्ड विद आधार नंबर, कैंसिल चेक और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, वी नीड अ सेविंग अकाउंट, कैंसिल चेक एज पर सेविंग गाइडलाइंस। ये दो चीज़ आपको रेडी रखनी है। पैन नंबर इंसर्ट करने के बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये चेकबॉक्स सेलेक्ट हुआ रहना चाहिए। देखिए, पेटीएम में मैंने फुल KYC कर रखी है, आधार कार्ड जोड़ रखा है, तो इन्होंने मुझे बोल दिया कि ग्रेट योर रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट विद KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी .txt एंड फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल, पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स, ये सारी डिटेल्स। मैंने एक्चुअली एंजल ब्रोकिंग में अपना अकाउंट बना रखा था, डीमैट अकाउंट, उस वजह से यहाँ पे शो हो रहा है, क्योंकि .txt के पास में मेरी डिटेल्स ऑलरेडी है, एज पर पैन नंबर इन्होंने मेरा डिटेल्स वेरीफाई किया है। उसके बाद में आगे वाले स्टेप में आपसे ये पूछेगा पर्सनल डिटेल्स, यहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन आएगा। नॉमिनी एंड डिक्लेरेशंस, यहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन आएगा। बैंक अकाउंट, यहाँ पे आप अपना ऐड कर दीजिए। देखिए, पर्सनल डिटेल्स ऐड, पर्सनल डिटेल्स में आपसे डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, योर मदर्स नेम, मदर नेम मांगेगा, उसके बाद में आपको सबमिट कर देना। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ये जो कैलेंडर दे रखा है इसमें से आपको इस तरह से ऊपर नीचे स्लाइड करके, जैसे सपोज करो आपकी 21 मार्च 1989 है, तो इस तरह से आपको ये ऊपर नीचे स्लाइड करके सारा अरेंज करके ओके पे क्लिक करना है। इसे आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपको नाम अपना जो भी है देना है, ठीक है, और फिर सबमिट कर देना। सबमिट पर करने के बाद में आपसे नेक्स्ट स्टेप में ये डिटेल्स मांगेगा, फादर, रिलेशन विद नॉमिनी, नॉमिनी डिटेल्स आपको फिल करनी है, आप किसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं, और फादर्स नेम, अगर फादर सेलेक्ट किया फादर्स नेम, फादर्स का डेट ऑफ बर्थ, और ग्रॉस एनुअल इनकम आपको यहाँ पे डिक्लेयर करनी है, आप इंडियन हो कि नहीं हो, इंडियन टैक्स रेजिडेंट हो कि नहीं हो, ये आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना है। उसके बाद में सबमिट बटन पे क्लिक करना। अगर आप अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ को नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो आपको ऑप्शन में से स्पाउस सेलेक्ट करना है। अगर आप जैसे हस्बैंड हो, अपनी वाइफ को नॉमिनी बनाना चाहते हैं, स्पाउस सेलेक्ट करके यहाँ पे अपनी वाइफ का नाम नीचे देना है, डेट ऑफ बर्थ वाइफ का नीचे देना है। अगले स्टेप में आपको अपना बैंक डिटेल्स देना है। सबसे पहले आपको IFSC कोड यहाँ पे दे देना है। IFSC कोड जैसे इंसर्ट करेंगे अगली डिटेल आपसे पूछ लेगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। IFSC कोड इंसर्ट करने के बाद में जैसे ये ब्रांच डिटेल फेच करेगा, ठीक है, अगले ऑप्शन में आपसे ये बैंक अकाउंट नंबर मांगेगा और बैंक अकाउंट टाइप मांगेगा, सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट, वो आपको यहाँ पे दे देना है। उसके बाद में इसको सेव कर देना है। देखिए, इसके बाद आपसे ये पूछेगा डिफ़ॉल्ट बैंक अकाउंट, दिस बैंक अकाउंट विल बी लिंक्ड टू योर इन्वेस्टमेंट्स एंड विल बी द डिफ़ॉल्ट अकाउंट फॉर ऑल रिडेम्पशंस, आपका जो भी लेन देन होगा इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वो यही अकाउंट है, ओके करना है आपको, ओके करते ही सेव हो जाएगा। इसके बाद में आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है, वेरीफाई योर बैंक प्रोसीड, वी विल ट्रांसफर 1 rupee टू योर बैंक अकाउंट टू अवेलेबल एंड वेरीफाई दैट इट बिलोंग्स टू यू, 1 rupee ये अपनी बैंक से ट्रांसफर करेंगे ऑटोमेटिक, इसमें आपको घबराना नहीं है, ये वापस आपको रिफंड हो जाएगा कुछ टाइम बाद में। इसके बाद में ये आपका अकाउंट समरी यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है, और यहाँ से आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। कंप्लीट होती, देखिए ये आ गया है, वेल डन, आपका नाम यहाँ पे आ गया है, वी आर वेरीफाइंग योर KYC डॉक्यूमेंट्स, यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग सून, अनलॉक द पावर ऑफ स्टॉक्स, ओपन स्टॉक्स अकाउंट इन 3 steps, इन्वेस्टिंग स्टॉक्स, ETF स्टॉक्स, ETFs, IPOs फॉर फ्री, कोई चार्जेस नहीं है। पेटीएम मनी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि आपसे कोई चार्जेस नहीं ले रहा है इन्वेस्ट करने का। अब देखिए, आपको ये वाला ऑप्शन क्लिक कर देना, अनलॉक स्टॉक्स, या फिर होम बटन पे जाके भी आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या ऑप्शन आएगा। मैंने अनलॉक स्टॉक्स पे क्लिक किया तो ये मेरे से पूछ रहा है आप अपना पिन नंबर सेट कर लीजिए, यहाँ पर 4 digit का पिन नंबर आपको सेट करना है, 2 पिन नंबर इंसर्ट करना है। ये देखिए, मेरा पासवर्ड मतलब पिन क्रिएट हो चुका है। अब ये मेरे से पूछ रहा है कि आप ओपन अकाउंट मतलब अकाउंट ओपन करना चाहते हैं कि नहीं। फाइनली ये डिटेल्स, एनुअल प्लेटफॉर्म फीस 300 rupees plus GST, आपका साल का चार्ज लगेगा,
डिजिटल केवाईसी चार्ज 200 प्लस जीएसटी वन टाइम लगेगा। सेगमेंट चार्जेस 00 प्लस जीएसटी वन टाइम लगेगा। ये आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स में देख लेना है किसका क्या चार्ज होगा। कैश इंट्राडे ब्रोकरेज ₹10 पर ट्रेड, डिलीवरी ब्रोकरेज फ्री है। इतना टेक्निकली मैं नहीं जानता लेकिन फिर भी ये काफ़ी अच्छा ऑफर है, इसे सस्ता शायद ही मिलेगा कहीं। उसके बाद ओपन माई अकाउंट पे आपको कन्फर्मेशन देना है, ओपन माई अकाउंट। ओपन माई अकाउंट में आपको देखो ये ऊपर से वगैरह केवाईसी नॉट कंप्लीट, केवाईसी नॉट कंप्लीट में क्या क्या केवाईसी कंप्लीट नहीं है आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको बता देगा। देखिए नीचे डिजिटल केवाईसी कंप्लीट है, स्टॉक अकाउंट डिटेल्स, एडिशनल डिटेल्स स्पेसिफिक टू इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स, साइन यूजिंग आधार, अकाउंट रजिस्ट्रेशन, फ्यूचर ऑप्शंस, स्टॉक इंस्ट्रक्शंस, ये सारी डिटेल्स आपको चेक कर लेंगे। स्टॉक अकाउंट डिटेल्स में क्या क्या मांगेगा ये देखिए, स्टॉक अकाउंट डिटेल्स में बहुत सारी डिटेल्स इन्होंने दे रखी है। अगर आप चाहे तो ये रीड कर सकते हैं, टाइम आपके पास हो रीड करने का तो वैसे रीड करके ही आगे प्रोसीड करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, वरना आप बाद में बोलोगे कि ये चीज़ मुझे नहीं करनी थी, ये सही नहीं है। तो आप अगर एग्री हो तो यहाँ पे चेक बॉक्स को सिलेक्ट करना है और सबमिट कर देना। ये मैंने करता सबमिट। ये देखिए सेलेक्ट एक्सचेंज NSE या BSE जो भी आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है, जो भी स्टॉक एक्सचेंज आप सिलेक्ट करना है यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। कैश इन्वेस्ट इन स्टॉक्स ऑफ एक्सचेंज लिस्टेड कंपनीज फ्यूचर एंड ऑप्शंस, इसके बाद में आपको कंफर्म कर देना। कंफर्म पर्सनल इन्फॉर्मेशन और मांग रहा है डिटेल्स आपसे, तो यहाँ पे आप डिटेल्स आप दे दीजिए। हाउ लॉन्ग हैव यू इन्वेस्टेड इन स्टॉक मार्केट, नो एक्सपीरियंस मैंने नहीं किया है, सेव कर दीजिए। अपलोड सिग्नेचर फोटो, आपको अपना वाइट पेपर पर सिग्नेचर करके उसका फोटो जिसके यहाँ पे अपलोड कर देना है। स्टॉक कम्युनिकेशन, ऑल कम्युनिकेशन रिलेटेड टू योर स्टॉक अकाउंट फ्रॉम पेटीएम मनी एक्सचेंज एंड डिपॉजिटरी विल बी सेंड टू दिस मेल आईडी, यहाँ पे आपको मेल आईडी अपना दे देना है। एक्चुअली ये मेल आईडी वही होगी जो जिस मेल आईडी के बेस पे आपने अपना पेटीएम अकाउंट बनाया था और जो मोबाइल नंबर उस टाइम दिया था वही यहाँ पे डिफॉल्ट सेव रहेगा। ये देखिए यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करके आपको सेव बटन पे क्लिक कर देना है, आपका सिग्नेचर यहाँ पे सेव हो जाएगा। और स्टॉक कम्युनिकेशन डिटेल्स भी आप सेव कर दीजिए। प्रूफ ऑफ इनकम आपको यहाँ पे देना होगा, होल्डिंग स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट, इनकम टैक्स रिटर्न, ITR जो फाइल आप करते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। उसके बाद में आपको अपलोड करना है। प्रूफ ऑफ इनकम शुड नॉट बी ओल्डर देन 6 मंथ्स, डोंट सबमिट पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल्स, ये आपको ध्यान रखना है। और आप अभी इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं कि अभी मैं प्रूफ ऑफ इनकम नहीं देना चाहता, तो स्किप दिस स्टेप नाउ एंड देन नेक्स्ट पे आप क्लिक कर दीजिए। ओके, यू आर सबमिटेड ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड डिटेल्स। ओके, अब आप ट्रेडिंग और शेयर ट्रेडिंग करने के लिए ओके हो गए हैं। अब आपको देखना है कि IPO कैसे परचेज करना। वेल फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको डीमैट अकाउंट और शेयर ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना सिखा दिया है, कैसे पेटीएम मनी से अपन अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और एक बार मेरा अकाउंट वेरीफाई हो जाए शाम को 4 बजे तक, उसके बाद मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि IPO कहां से अपन खरीद सकते हैं, कैसे अपन परचेज कर सकते हैं, कौन कौन से IPOs का लिस्ट अपन देख सकते हैं इसमें। सो अपडेट रहिए, मैं जल्दी आपको अगला वीडियो शेयर करूँगा। ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन पर क्लिक कर दिए ताकि जैसे मैं IPO परचेज सेल करने का वीडियो बना के शेयर करूँ आपको पता चल जाए। थैंक यू।